नहीं होना चाहिए, इसलिए छुपाना सही है। सही, गुड गुड आंसर। अच्छा, कमरा फैलाने में ज्यादा हाथ शहरोज का होता है? नहीं, वो भी नहीं, नहीं होता मेरा, हार गया वो, बज नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल साफ बहुत। अरे भाई आके सही करो, बज गया। इसलिए नहीं बज रहा है क्योंकि ये सच जानता है, वो जो बैठे हैं उनको नहीं पता। नेक्स्ट सवाल, भाई फंस गए पहले सही करो। अच्छा ऊपर से देखो, ऊपर नहीं फंसा है वो, मैं आपको बता रहा हूँ। सायरा बहुत बदमजा खाना बनाती है, बहुत अच्छा बनाती है एक्चुअली, क्योंकि इनको शेफ बनना है। हाँ। तो हमेशा से शौक था, अब इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगी शेफ। हाँ। के लिए खाना बहुत अच्छा बनाती है। बगैर कॉन्टिनेंटल बनाती है। शहरोज बेटा नसीब तुम पता नहीं खास लिखवा के आयो, बड़ा अच्छा पैकेट मिल गया माशाल्लाह। माशाल्लाह खाना भी पकाना आता है भाई, खूबसूरत भी है और बोलती भी कम है, तुम यहाँ को और क्या चाहिए। नहीं कुछ नहीं और भी। अच्छा आप सायरा के, आप सायरा की दिल खोल कर तारीफ करने में कंजूसी करते हैं, क्या ये सच है? है ना, इससे ज्यादा चढ़ ना जाए। नहीं, क्योंकि दिल खोल के ज्यादा तारीफ कभी कभार दिल खोल के कर देता हूँ। हाँ। पर कभी कभार, हाँ दिल खोल के कभी कभार इंसान वैसे ही नहीं करता है। हाँ। I think, yeah, अब रोज क्या दिल खोल कर रहे हैं? नहीं वो फिर मैं एक्चुअली क्रिटिकल काफी हूँ, मैं क्रिटिसाइज करता हूँ। यहाँ से बोल रहा है अच्छा नहीं हुआ, लिपस्टिक फैल गई है, तो तुमने मस्कारा यही होता है, ऐसा होता है, ये क्यों नहीं किया, लाइनर क्यों नहीं किया। थोड़ा आई थिंक मैं आई एम बीइंग ऑनेस्ट, ये देखिए नहीं बढ़ रहा ना। सायरा से अभी तक आपकी एक मरतबा भी लड़ाई? एक मरतबा भी लड़ाई नहीं हुई, नहीं हुई। नहीं नहीं बहुत हुई, रोज होती? नहीं रोज नहीं, सुबह उठते ही लड़ाई, रोज नहीं होती पर लड़ाइयाँ बहुत हुई। शादी के बाद? शादी के बाद एक, एक नहीं कम, शादी के बाद एक और शादी से पहले? शादी से पहले काफी होती थी, इसके भी रीजन है बिकॉज शादी से पहले जो रिलेशनशिप होती है वो अल्लाह की नजरों में नहीं है सही, तो निकाह के बाद ही हेल्प यू, तो उनकी मदद है तो फिर लड़ाई नहीं, फिर लड़ाई। अब एक लड़ाई क्यों हुई थी, शहरोज की वजह से कि सायरा की वजह से? ये आई थिंक मैं, लड़ाई इसलिए हो जाती है क्योंकि जब कुछ हम लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं तो मैं फिर कुछ सुनना, फिर मेरे मैं ब्लॉक आउट करता हूँ चीजों को, कुछ समझा रही होती है मैं नहीं समझने की कोशिश कर रहा होता हूँ, तो फिर ये इरिटेट हो जाती है। मतलब कि समझाती है, और जब सारा इरिटेट होती है फिर क्या क्या टूटता है, फिर सवाल होते हैं। अभी तो कोई सामान तो नहीं टूटा, लेकिन इससे पहले कि मैं इरिटेट हो रही हूँ यहाँ कमाल हो रहे होते हैं। ये सेट हो जाता है? नहीं नहीं, फिर हो जाते हैं, सही हो जाते। ये जंग खत्म कराने के लिए बाहर की फौजों को तो नहीं आना पड़ता, कोशिश करते हैं कि बैरोज अंकल और सकीना कोशिश करते हैं खुद ही से हो जाए, अगर वो देखते हैं नाराज चल रहे हैं एक दूसरे से तो वो हेल्प करते हैं, समझा देंगे और उनकी समझ आ जाती है। नाराजगी में क्या होता है ये, या बातचीत बंद, क्या बस एटीट्यूड एक दूसरे को? नाराजगी में यह है कि थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाते हैं। हाँ, हाँ। क्योंकि फिर वो भी अगर कुछ जरूरत होती है तो बात कर, गेस्ट रूम में चली जाती है सोने के लिए? नहीं, आप गेस्ट रूम में चले जाते, छोड़ेगी मगर नहीं, थोड़ा सा बस थोड़ा डिस्टेंस हो जाते हैं, मगर वो डिस्टेंस हम ज्यादा रख नहीं सकते क्योंकि हम दोस्त हैं ना अच्छे, तो हम बोलते हैं कुछ होता है तो इसको बताना होता है कि अब मैं अगर नाराज हूँ और कोई फिल्म देख रहा हूँ और मुझे, अब मेरी आदत है फिल्म देखते हुए से डिस्कशन में, आई लव मूवीज, तो डिस्कशन करना मेरी आदत, आवाज आ रही है आपको? आ, तो डिस्कस जब मैं करता हूँ उससे तो अब वो मेरी लड़ाई हुई है ना, तो मैं कैसे अब डिस्कस नहीं करूँ, तो अच्छा सुनो फिर वो सो जाए। तुम फॉरन मान जाते हो, देर लगती तुम्हें मनाने? सच बताओ, फॉरन ही मानती हूँ। अच्छा, मैं फौरन मानती हूँ। कोई तोहफा चाहिए होता है या कुछ, कोई खाना खिलाने वाली चीज होती है? बजो। नहीं, एक्चुअली सीरियसली आई पर्सनली थिंक मैं फौरन मानती हूँ, ये इसको थोड़ी थोड़ी ये लगती है ना कि उल्टा, क्योंकि इनको प्रॉपरली बैठ के समझाना होता है, सुनाना पड़ता है, नहीं इनको प्रॉपरली समझाना पड़ता है, जब तक वो समझ नहीं आती है। मेरा एनालिटिकल माइंड है तो मैं
चारों खाने जो मेरे दिमाग के ना उनको सेटिस्फाई करना पड़ता है। एक बात को मैं हर एंगल से समझना चाहता हूँ, ये गलत बात है, ये मैं प्राउड नहीं हूँ इस बात पे, आई एम ट्राइंग टू फिक्स माईसेल्फ। और पता है कि आपकी कमजोरी, और ये सही हो जाएगी इंशाल्लाह, अभी ढाई महीने में बेहतर होगी, ढाई साल में। आपने अहद किया हुआ है कि जिंदगी भर सायरा के अलावा किसी और लड़की को के बारे में सोचेंगे भी नहीं। सोचेंगे किस सेंस? एक सेकेंड, देखें शादी, देखें शादी इसी से की है, जिंदगी इसी के साथ गुजारूंगा, बट ऑब्वियसली खूबसूरती को इंसान देखता है, तो देखता है उसके बारे में, ठीक है, खूबसूरती को देखूंगा, पसंद करूंगा खूबसूरती को, बट उससे ज्यादा कुछ नहीं। चलो बोलिए, यहाँ तक सही है। अच्छा, शादी से पहले आप हर रोज सायरा से 4 घंटे फोन पर बात किया करते थे, और अब 1 घंटे भी नहीं करते। हाँ ये सही बात है, अब फोन पे हम बात नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि अब क्या हम साथ ही होते, बट जब शूट पे चला गया, शूट पे जाके मैं लाइक मुझे मैं इसको शूट पे भी मिस बहुत करता हूँ, तो मैं शूट पे भी कुछ ना कुछ बहाने से फोन करता हूँ, किधर हो क्या, तो वो कुछ बात ज्यादा नहीं हो सकती ना, अब तो शादी है, वो बोलती है मैं ये कर रही हूँ, फाइन बाय, बट कॉल ज्यादा करता हूँ। शादी से पहले 4-4 घंटे बाकी बात होती थी, बड़े बहुत बिलाए, पैकेज ले लेते यार, बहुत बिलाए। अच्छा, कहीं बाहर जाना हो खाना खाने तो कहाँ जाना है, जो वेन्यू है, आप जो आपसे पूछ रही हूँ, अभी सायरा की बारी नहीं आई, सायरा की बारी आएगी, कभी कहीं खाना खाने बाहर जाना तो वेन्यू क्या खाना है, किस तरह की चीज खानी है, वो सब डिसाइड आप करते, सायरा नहीं करते, क्या ये सच है? ज्यादातर ये डिसाइड करते। अच्छा, उल्टा है, बिकॉज शी लव्स टू ईट, अच्छा, एंड गुड फूड, तो ये इन्होंने मुझे बहुत अच्छे खाने इंट्रोड्यूस कराए, ओके, ये ट्राई करते हैं, ये ट्राई करते हैं, मैं सिंपल खाना खाता हूँ, और जो खिला दो खा लेता हूँ, जब मुझे भूख लग रही हो तो मेरी कोई चॉइस बिल्कुल नहीं है, मगर जब भूख लग रही हो तो खाना होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र है होता है, बट बस वो उस वक्त थोड़ा मूड ऑफ सा हुआ होता है। उसको कैसी बीवी पसंद है, वो शहर उसके कपड़े इस्त्री हुए हुए हो, ट्रे पे खाना लगा हो, ऐसी बीवी चाहिए? हाँ, पाकिस्तानी मर्दों की बेसिकली मम्मा ने बहुत बिगाड़ा है इस मामले में, बिकॉज आई एम द ओनली सन, तो उन्होंने हर चीज प्रॉपर रखी है, तो तुमने पहले बता दिया था सायरा को कि भाई मेरे कपड़े ऐसे होने चाहिए, वो सब पता? नहीं, नहीं बताया था, नहीं बताया था, अब इसको आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है, मगर इससे एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि अपना काम खुद कर लेता हूँ, सायरा नहीं करते, नहीं एक्सपेक्ट, मतलब एक्सपेक्ट नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पे होता ना, इसको मैंने बताया हुआ होता, एक दूसरे की चीजें, जैसे कुछ चीजें इसको जो चाहिए कमरे में जो मैं कर लूं, तो वो मुझे नहीं पता थी, अब मैं मुझे पता चल गई, तो अब हो जाएगा, हो जाएगा, ढाई महीने में अभी सब कुछ खुश है, प्रॉपर है, हंस रहे, तो उन्होंने घर में हर चीज को बहुत तो उन्होंने घर में हर चीज को बहुत प्रॉपर रखा हुआ है, चाहे वो इसका कमरा हो, चाहे वो इसकी चीजें हो, चाहे वो खाना जब हम लोग खाते हैं किस तरह खाना आएगा, सब बहुत प्रॉपर है, और वो ऑलरेडी सब ट्रेन हुए हुए हैं कि किसको क्या करना है, टेंशन नहीं है, तो मुझे टेंशन नहीं है, रिलैक्स, जब तक सासू माँ ने जिम्मेदारी उठाई नहीं है, रिलैक्स, एंजॉय करो, गोल्डन पीरियड है ना। अच्छा, अगर किसी फिल्म प्रोड्यूसर ने आपको फिल्म में हीरो की रोल की ऑफर की तो क्या कहेंगे, हीरोइन जो है वो सायरा होनी चाहिए वरना मैं काम नहीं कर सकता? नहीं बोलूंगा, ऐसा नहीं, किसी भी लड़की के साथ काम कोई इशू, प्रोफेशनल दोनों, वो कोई इशू नहीं। अच्छा सायरा, एक फरमाइश करने वाली बेगम है क्या? जी सुने, आज गजरा ला दे मुझे, जी है। गजरा गजरे वाले दिन नहीं है, अब वो गजरे वाले दिन अच्छे थे, सस्ते थे वो दिन, मगर हाँ ख्वाहिशें हैं, मजा आता है, अगर ख्वाहिश होगी नहीं तो फिर मर्द की ड्राइव क्या है, फिर मर्द की ड्राइव ही खत्म हो जाएगी, मर्द की ड्राइव वो है जब औरत डिमांड करे तो क्या सारी औरतें खुश हो गई, ड्राइव ही ना फिर तो बोरिंग हो जाएगा, मर्द का वो मर जाएगा। ऑडियंस कह रही है शहरोज की इस बात पर दिल चाह रहा है ताली बजाते रहे, तो आप ताली बजाइए बैठकर, मैं ब्रेक से वापस आ रही हूँ।
और ब्रेक के बाद हम सायरा से करेंगे सच और झूठ का फैसला। हमारे पाकिस्तान हमारे साथ रहिए। हमारे साथ में बहुत सारी बातें तो मैं कैमरे के आगे कर रही हूँ, लेकिन ब्रेक में भी हमारी बहुत सारी जान पहचान हो गई है। बहुत शहरोज को तो मैं बचपन से जानती हूँ, सायरा बहू है ना, जरा तो सायरा को जानने की कोशिश कर। अच्छा भाई, अब आप भी जानिए सायरा को, और उस तरह की जो चीज हमने शहरोज के साथ की थी वो अब सायरा की बारी है, सच का और झूठ का फैसला। ठीक है, चले जी। पहला सवाल, सायरा शहरोज की शिकायत बैरोज अंकल से फौरन कर देती है? नहीं नहीं, नहीं। चुपा जाती हूँ। नहीं मैं नहीं करती। नहीं करती। ओके गुड। शादी से पहले वाले शहरोज और शादी के बाद वाले शहरोज में थोड़ा सा भी फर्क नहीं है? नहीं फर्क है, है? अच्छा फर्क है। ऑब्वियसली जो जो पहले छोटी छोटी बातों पे नाराज होना या छोटी छोटी मैच्योरिटी, हाँ वो सब जो है मैच्योरिटी, बहुत मैच्योरिटी, वो सब दोनों में से ज्यादा मैच्योर कौन है? लड़कियां जल्दी होती है मैच्योर। हाँ ये तो लड़के देर से आगे इकलौते लड़के लंबा चलते लंबा चलते। शहरोज अगर आपसे झूठ बोल रहे होते तो आप फौरन पकड़ लेती है सायरा? हाँ पकड़ लेती हूँ, लेकिन ये एंड टाइम तक कोशिश करते हैं कि वो उस झूठ पे अटके रहे, लेकिन मैं पकड़ लेती। और जब झूठ पकड़ा जाता है शहरोज तुम्हारी क्या हालत होती है? नहीं पकड़े खुद एक्सेप्ट कर होता है, लेकिन छोटी छोटी बातों क्या ये नजर नहीं मिलाते जब झूठ बोलते? या तुम नजर देखती? नहीं मैं तो आंखों में देख के झूठ बोलता हूँ, लेकिन लेकिन मगर ये पकड़ लेती है। लेकिन वो झूठ बोलने के टाइम जो लुक इनकी शक्ल में होती है ना, वो क्या है, मैं तो फिर अभी फुल एक्टिंग करता हूँ, एक्टर को ये चीज अच्छी आती है झूठ बोलना, तो वो पकड़ लेती है, पकड़ लेती है। सीरियसली वी आर नॉट जस्ट सेइंग आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए, बट एक्चुअली पकड़ लेती है। ओए, ओए, ओए। अच्छा लड़ाई होने पर शहरोज को आप मनाती है? कभी कभी ज्यादातर अभी लास्ट दो तीन दफा तो मैं ही मना रही थी, लेकिन अदरवाइज यही मनाते हैं। बारियां होती है, दो दफा आपने मनाया, ये बच क्यों नहीं रहा है? नहीं मेरी वाली टन है, हल्का हल्का है, लो बजाओ। ये सब सच बोल रही है। अच्छा कहीं जाना हो तो शहरोज चाहते हैं कि आप उनकी मर्जी से तैयार हो, कैसा है? एक ब्रीफिंग दे देते हैं, अरे हाय हाय ऐसा लुक होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मैं मैं फिर जो मेरे दिमाग में होता है वो मिला के दिखाती हूँ, तो हाँ दिस कुड वर्क टू, तो फिर हम लोग ऐसे ही डिसाइड करके कर लेते हैं। को अच्छा लगता है वैसे, मियां बताएं क्या है क्या है? बताना चाहिए। एंड आई हैव ऑलवेज हैड लाइक अ सेकंड पर्सन, लाइक पल्लुषा हमेशा होती है, अलिशबा होती थी, या अम्मी अबू जो मुझे सेकंड ओपिनियन देते थे, और अब ये फर्स्ट ओपिनियन ये देते हैं, सेकंड वहां देते हैं। अच्छा शहरोज वन मैन शो है, इनके अंदर सास ससुर नंद वाली सारी क्वालिटीज मौजूद है क्या? मैं खुद देता हूँ, मैं काफी हूँ, मैं ही नंद हूँ, मैं ही सास हूँ, मैं ही ससुर हूँ, मैं बहुत हूँ। एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए हमने ये सजाया नहीं, याद खराब हो गई। मामा सास नहीं है, पापा ससुर नहीं है, मैं सब कुछ हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, इसलिए वो बेचारे कुछ भी नहीं है, उनको पता है एक बेटा ये संभाल लेगा।
नहीं आई लव दिस क्वेश्चन इट्स सच अ नाइस क्वेश्चन हमें कैसे पता चल गया तुम्हारे वेरी गुड वाओ कौन बैठे नजूमी तेरा नजूमी शहरोज आपको खुशी खुशी अम्मी के घर ले जाते हैं और दो तीन दिन रहने की परमिशन भी दे देते हैं क्या ये बात सच है अम्मी के घर तो मैं खुद ही चली जाती हूँ हाँ। और ये भी तो कहते हैं ना जब कोई मजे की चीज पक्की हो तो चलो ओ वो तो हाँ वो तो घर फोन करो कि पता क्या है जो भी है फिर घर जाके खाना होता है आपके हाथों के फैन है बहुत पसंद है बहुत ज्यादा मुझे अच्छा खाना बना तो जब भूख लगी होती है तो खुशी खुशी घर जाते हैं अदरवाइज मैं चली जाती हूँ फिर वहीं पे आ जाते हैं रहने की होती परमिशन या फिर कहते हैं कि जल्दी आ जाओ नाराज आ रही हो परमिशन का नहीं है अगर मुझे रहना हो तो मैं रह लेती हूँ अभी ढाई महीने हुए शादी को रही हूँ एक दफा दिल लग गया अब होता है ना कि सैटरडे संडे को इजाजत है कुछ घरों में होता है मखसूस बनाना कि फ्राइडे को जाना है और संडे को वापस आ जाना नहीं ऐसा नहीं है मैं हर रोज घर जाती हूँ मैं हर रोज घर जाती हूँ टाइम स्पेंड करती हूँ तो उस सेंस में वापस मैं फिर आ जाती हूँ हाँ। और अगर मुझे कभी स्टे भी करना हो तो वो भी इशू नहीं है आई थिंक जो फ्री हैंड दिया जाए तो बीवी फिर कमी जाती है हाँ। जो देते हैं पाबंदी होती है तो ज्यादा जाती है तो फ्री हैंड दे दो वो कमी जाएगी और मेरी बहनें भी आती रहती हैं वैसे ये बहुत सही एक्सपीरियंस तुम्हें एक्सपीरियंस कहाँ से आया इतनी सी उम्र में देख ले ये तो ये मैं सच्ची कह रही हूँ मुझ पे पाबंदी लगाई गई तो दिन का तो ये पहली शादी है ऐसे नहीं है कहीं जाना हो तो शहरोज चाहते हैं कि बस आप उनकी मर्जी से ये अच्छा ये तो पूछते हैं उन्हें क्या कहते हैं हाँ सायरा ने पहली मुलाकात में ही ये बता दिया था शहरोज को कि मैं फोन भी चेक करूंगी और मैं शक भी करूंगी मैं शक्की हूँ नहीं ऐसा नहीं नहीं मोबाइल चेक नहीं पहली मुलाकात में उन्होंने नहीं बताया था आपको कि मैं बहुत शक करती हूँ तो मैं मोबाइल भी चेक करती नहीं करती नहीं मैं शक नहीं करती नहीं जीरो नहीं बिल्कुल कोई अच्छी लड़की तो कहते सारा लेते थे कि प्यारी लड़की है ऐसे बोल देते हो आप हाँ बोल देता हूँ मगर वो शक्की वक्की का वो है ही वो अगर मैं देखती हूँ किसी प्यारी लड़की को तो मैं कहती हूँ अच्छी है शेयर करते हैं ओपिनियन शहरोज की कोई एक बुराई खत्म हो जाए तो ये परफेक्ट हस्बैंड है वो कौन सी बुराई कोई एक बुराई गुस्सा और वही कि वो गुस्सा या नखरे नहीं गुस्सा और जब कोई बात समझा रहा हो तो उसको समझ अगला कुछ भी बोले समझ जाओ नहीं ये गलत हो समझ ठीक है शहरोज सायरा को कम टीवी को ज्यादा सुनते हैं क्या ये सच बीवी को कम टीवी को ज्यादा सुनते हाँ टीवी बुक बस सब लेकिन ये ढाई महीने पहले तो ये नहीं था ना ऐसा तो नहीं था ना टीवी को ज्यादा सुनते थे ना अब चेंज हुए ना नहीं पर ढाई महीने पहले बीवी नहीं थी तो नहीं क्योंकि अब आई थिंक साथ रहते हैं हाँ। तो रूटीन जो इसके घर की रूटीन थी वो फॉलो करती है मैं अपना फॉलो करता हूँ मूवीज बहुत हम शौक से देखते हैं तो हर रात अगर अगले दिन काम अर्ली नहीं हो कल हमने नहीं देखी क्योंकि हमने सुबह आना था इस मॉर्निंग शो पे अगर हमने लेनी थी तो बट वेन हम मूवी देखते हैं उसको डिस्कस करते हैं मूवी बिकॉज हम इंडस्ट्री के हैं वी हैव टू वॉच हर लड़का हो या लड़की हो दोनों की नेचर होती है किसी में डोमिनेशन ज्यादा होती है किसी में नहीं होती कोई कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं होता आप दोनों में डोमिनेशन ज्यादा किसकी कौन ज्यादा डोमिनेटिंग है आई थिंक हम दोनों को अच्छा नहीं लगता कि हम डोमिनेट किसी से हो और मुझे पर्सनली किसी को डोमिनेट करना पसंद नहीं है क्योंकि आई फील कि जब आप किसी को डोमिनेट करते हैं स्पेशली अगर आप अपने हस्बैंड को डोमिनेट कर रहे हैं तो रिस्पेक्ट लेवल थोड़ी सी कम हो जाती है तो यू वुड वॉन्ट कि आपका हस्बैंड वो स्टांस ले कि वो आपको हल्का सा डोमिनेट भी कर सकता है और आपको स्पेस भी दे सकता है तो उस सेंस में आप भी अपना आपको जब स्पेस मिल रहा है तो आपको डोमिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ती अच्छा शहरोज की ख्वाहिश है कि 11 बच्चे हों आपके क्योंकि अकेले रह रहे हैं क्या मसला सही बोल रही हो मिले हैं सब मिले हैं शहरोज की है ख्वाहिश है 11 बच्चे हों शहरोज सारी उम्र में अकेला रहा बिल्कुल कुछ ऐसा ही मैंने क्रिकेट टीम बनानी है इन शहरों के बच्चे बहुत पसंद है अच्छा बहुत मेरी बनती बहुत है बच्चों से अच्छे से बनती है बाकी 11 ही सच था कभी नहीं बजा और सायरा आप क्या कहती है बच्चे दो ही अच्छे यही कहती हूँ बच्चे दो ही अच्छे
ये कैसे हैं दो ही अच्छे। अच्छा एक बड़े मजे की बात जो मैं आपसे शेयर करूंगी, जब शादी हुई वैसे तो बहुत लाइट मेकअप किया था, राणा खान ने मेकअप किया था, बहुत ही सॉफ्ट मेकअप बिल्कुल हल्का था, लेकिन बाल तो जहर दुपट्टा फिक्स करना होता है ना, बाल थोड़ा सा हेयर डू करना पड़ता है। जब वो बाल खुलने लगे तो क्या हुआ शहरों, जरा वो बताइए किसका। बेसिकली पता नहीं इन्होंने मुझसे मैंने जानबूझ के, मुझे पता था कि ऑब्वियसली, मैंने कहा प्लीज मेरे बाल खोल दो, बहुत सारा के बाल छोटे हैं, देखिए ना इतने थे। अब एक बंदा जुकाम नजले में शादी में बुखार में 102 बुखार था और पिने निकाल रहा हूँ, अब निकालना शुरू किए तो 1000 पिन। अच्छा नहीं नहीं अभी अभी पंच लाइन नहीं है, ना 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 1000 पिन के बाद कुछ बाल निकलने शुरू हुए अंदर से, तो मैं डर गया, मैंने कहा जान ये बाल आई थिंक कुछ केमिकल लगाए बाल निकल रहे हैं क्या, अभी एक्टिंग कर रही थी, निकाला तो गुच्छा बालों का निकला, तो मैं फिर मैंने कह दिया फेक था वो कुछ अंदर पीस लगाते पीस तो कुछ लगा बॉडी देने के लिए होके होके वैसे नहीं ना, और बस फिर वो क्या। अच्छा अच्छा आपकी आप दोनों की मेमोरी अच्छी, पहचान जाते हैं बहुत दिनों पहले लोगों से मिले हो तो पहचान जाते हैं। मेरी मेमोरी अच्छी है और सायरा आपकी है। अच्छा स्क्रीन पहचानने में स्क्रीन पे कुछ ऐसे बातें नहीं भूलती चीजों को भूल जाती, स्क्रीन पे कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनको आप बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं, हो सकता है कभी किसी जमाने में उनसे मिले हो, उन्होंने थोड़ा सा अपना हुलिया बदल लिया, ठीक है, अब उस हुलिये के साथ देखते हैं सायरा और फेरोज उनको पहचान पाते हैं, गौर से देख लो आगे हो जाए सायरा, अगर तुम चाहो तो खड़े होके भी देख सकते हो, बस सही चलें जी स्टार्ट, नजर आ रहे आ रहे नजर ये देखो जरा कौन तुम जाने पहचाने हैं कोई, आज जो आप कहेंगे तो एक प्रॉप हट जाएगी, प्रॉप हट गई, अलिश्बा सही है, बाकी क्या अलिश्बा है, ओके गुड, नेक्स्ट देखे भाई जरा आप कहेंगे तो एक प्रॉप हट जाएगी, चश्मे हटा दो आपकी मर्जी की नहीं हटेगी हमारी मर्जी की, तीन तीन चश्मे पहने अब एक प्लीज प्रॉप हटा दें, एक प्रॉप प्लीज हटा दें, ओ भाई एक और हटा दें भाई, एक सेकंड अब नहीं हटा सकते वरना पता चल, अब सोचो एक और हटा दी, चलो क्या ये क्या हटाया, ओह माय गॉड हु इज दिस, एंटायरली डिफरेंट फेस, पीछे कोई और है, पीछे कोई और है, भूषण जी अब क्या भूषण सर नहीं वही है, नेक्स्ट पिक्चर जी जावेद हमको व्हाट अल्लाह चलाको मारे, ओ बाप रे ओए 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 जावेद मारो, अच्छा जी पापा अब तुक्के मारियो बेटा, नहीं मुझे वो लग रहा है और देखो हटाए, हां और देखो मोमन ओए गुड, अब कौन है भाई, उसकी तो सब खानदान की कहानी चल रही है भाई, हटाओ प्रॉप हटाओ, आप है पहचान गए मेरे सीन देख लिया, मैंने बोला ना सबसे पहले चीक से मैं पहचान गया, गन्नों से पहचान गए, हाँ जी नेक्स्ट तो प्रॉप हटाओ, ये तो माइकल जैक्सन लग रहे हैं, नहीं ये तो बहुत ही खूबसूरत खातून लग रही है, समझ आ रही कौन है, मामा मामा ओ माय गॉड, ओए 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 सबको पहचान गए भाई, सबको पहचान गए, अच्छा जी ये कौन है, चलो एक प्रॉप हटाओ, एक सेकंड एक प्रॉप और हटा दो, मैं तो नहीं हूँ सायरा, ओके चलो भाई अब इसको पहचान लो भाई, ये कौन है, बहुत ज्यादा पहचानी शक्ल लग रही है ना, चेंज शहजाद शहजाद है बिल्कुल जबरदस्त, हाँ नेक्स्ट चलो जी लास्ट है, इसको पहचान गए तो आप फुल मार्क्स मिलेंगे, प्रॉपर्ट आओ
ये था एक प्रॉप और हटा दो, बहुत ही समझ ही नहीं आ रहा, हटाया कुछ भाई, आंखें नजर आई क्या, आंखें नजर आई जी, किसकी पापा, पापा सही बिल्कुल ठीक, क्या बात है, अब ये लास्ट है, अब ये लास्ट है जी, ये तो अमिताभ बच्चन है, दिखाओ ये, नहीं 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 आगे तुम शेरोज और हटाओ, शेरोज शेरोज सारा जीत गए, मैं हूँ ये गंज देख के, अच्छा ये क्या बात है, सायरा ज्यादा, सायरा ने ज्यादा लोगों को पहचाना, आपने सिर्फ मेरे गले देख के, मैंने आपको पहचाना है ना, अरे आपको पहचाना ब्रेक पे जा रहे हैं लेकिन हम दोबारा से ब्रेक, अब क्योंकि विजयन करती रही है सायरा, सायरा तुम जाओ ब्रेक की तरफ, हम लोग बस दो मिनट में वापस आएंगे तो आप लोग कहीं ना जाइएगा, हमारा इंतजार कीजिएगा, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, जिस नर दिल तो लग दुनिया ने उस तो के कुछ भी होर प्यारा नहीं हुंदा, समझाए सजना कमलिया तेनू देखे बिना गुजारा नहीं हुंदा, जग जाने जिस नर दिल तो लग दुनिया ने उस तो के कुछ भी होर प्यारा नहीं हुंदा, पाकिस्तान, सायरा तुम्हें कितना अच्छा लगता है कि शेरोज तुम्हें फूल दे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता है, और शेरोज को कितना अच्छा लगता है कि आपको गिफ्ट दे, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, बहुत, कभी गजरे और उसकी फरमाइश की है कि शादी के बाद गजरे पता नहीं क्यों मंगवाती है, फला चीज़, नहीं अभी तक गजरों की नहीं, नहीं फूल बहुत पसंद है, फूल बहुत, मैंने अभी तक दिया नहीं है, दिया नहीं, आज तुम सारे फूल दे सकते हो, सही बोलो, सारे फूल तुम्हारे यहाँ जमा होंगे, वो तुम सब बहुत अच्छे रोज है, ठीक है ना, तो वो क्या करता है देखते हैं निशाना किसका ज्यादा अच्छा है, तीर जाके निशाने पे लगे, तीर जाके निशाने पे लगे, ठीक है, ठीक है, लाज आपने, आपके पास ये दो डब्बे हैं, एक सायरा का है और एक सायरा की तस्वीर है जी, तो अलीश भाई लग रही है बिल्कुल, कितनी देर में काजल लगा के अलीश भाई से, भाई वाकई में तो हैरान नहीं की देखते, अब तो लोग लोग आ रही है, तो ये देखते हैं निशाना तुम्हारा अच्छा है सायरा, फूल तुमने फेंकने इधर और शेरोज ने फेंकने इधर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और तुम दोनों मुझे देखते हैं कौन जीत पाता है, आओ देखते हैं, टाइम हमारे पास कितने, एक मिनट है, एक मिनट में देखते हैं कितने निशाना तीर पे लगता है, अच्छा और मारना कहाँ से, हाँ फेंकना कहाँ से, यहीं से जहाँ पे आते हैं, हाँ पीछे आओ, पीछे आओ बराबर, मेरे साथ खड़े हो, नहीं साथ आओ, चलो रेडी, लेट्स सेट गो, फेंकते रहो जितने फेंकने, अरे एक ही का एक्चुअली मुझे ही देना चाह रही है, सॉरी, ओ भाई क्या बात है सायरा, तुम शेरोज निशाने अच्छे में ही है, अब मैं रिलैक्स हो गया हूँ, मैं आराम आराम, अब आंखें बंद करके डाल, 30 सेकेंड, गुड है भाई, 20 सेकेंड लेफ्ट, ओहो क्या बात है शेरोज, तुम्हारे कितने दो तीन जमाओ, अच्छा दीदी शेरोज के पास एक
दो तीन चार गुलाब नहीं, मेरे पास एक्चुअली नहीं कितने वैसे बताऊं जीता कौन है मैं सच सायरा जीती है सायरा इसलिए जीती क्योंकि उसने मेरा एक गाना मेरे पास एक्चुअली ढाई 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 शहरोज के ढाई और सायरा के चार हो गए तो भाई निशाना सायरा का ज्यादा तेज हाँ भाई हाँ एक बात रह गई सायरा को शहरोज ने कैसे पटाया था ये नहीं बताया बता दो अच्छा नहीं ऐसी फूल फेंके नहीं फूल नहीं फेंके थे क्या किया था कैसे मगर कॉलेज के बाहर चक्कर तो नहीं लगाया नहीं साल छोटी है मुझसे तो मैं ग्रेजुएट हो गया था तो ये आई थिंक लेने आता था कॉलेज तो आते थे लेने आता था मगर हाँ पटाया पटाया ऐसे कि मैंने तो काफी तरीके से क्योंकि इम्प्रेस नहीं मेरा ये क्योंकि ऑनेस्ट लड़की है तो ऐसी चीजों तो इम्प्रेस नहीं होना था मैंने कहा इम्प्रेस किया जैसे अपनी बातों से अरे तुम बताओ ना जरा स्वीट टॉक से स्वीट टॉक से बातों से तारीफें हमारी आंखें बहुत अच्छा सारो तारीफें यही तो चाहिए होता और ख्याल बहुत रखा एज ए फ्रेंड भी एक्स्ट्रा लाइक अब एक वो दोस्त होता है जो आपको पसंद होती है हाँ. और चार और होती हैं जो आपको पसंद नहीं होती है हाँ, दोस्त पांच होती हैं तो जो पसंद होती है उसको उसके लिए ज्यादा करो अगर मैकडॉनल्ड्स जा रहे हो तो उसको उससे पूछो क्या खाओगे बाकी को कहा तुम लोग अच्छा, आपने क्या खाना है तो उसको समझ आ गई थी मुझे शहरोज ने सिखाई थी अच्छा अब वो भी क्या था अब सारे दोस्त गाड़ी में बैठे और जब इनकी बारी आई अच्छा गाड़ी चलाने का सबको मना कर दिया हाँ आप चलाएं आप चलाएं बाहर मारो बस सब कुछ दाव पे लगा देता है लड़का ना उस वक्त क्योंकि सायरा बड़ा अच्छा खाना बनाती है शहरोज ने बताया है और ये आगे बढ़कर आगे चलकर शेफ भी बनना चाहती है तो आज दोनों मियां बीवी मिलकर आप लोगों के लिए शास्त्रिक बनाएंगे अपने हाथों से आई हैव नो आइडिया व्हाट टू डू विद दिस चलो तुम लोग को टीचर करूं क्या अच्छा कोई चूल्हा खोल दे वहाँ पर लाइक एक्चुअली मुझे अभी कोई आइडिया भी नहीं है चले अपनी तरफ से अगर आप कभी ये बनाना पड़े तो क्या करें पहले मैं चेक करता हाथ लगा सकते हैं हाथ लगाइए जरूरत नहीं है ना शायद ये बने हुए ना तो पिरोए हुए सिर्फ उसको बनाना है ना पिरोना तो अच्छा पिरोना है ठीक है तो ठीक है पहले मैं एक सेकंड पहले तुम बनाओ फिर मैं तुम्हें बना के दिखाऊंगी चलो ठीक है मैं एक ट्राई करता हूँ अच्छा बनाते बनाते एक और बात बताओ सायरा वैसे तुम्हें पेरेंट्स वाइज अच्छी लगी थी इसलिए तुम्हें वो क्यूट लगी तो इसलिए तुमने अप्रोच किया उसे लेकिन कोई और भी तो बात होगी सायरा के अंदर जो तुम्हें अच्छी सायरा झूठ नहीं बोलती ओ चाहे कुछ भी हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए शीतान लाए झूठ नहीं बोलती और अपनी फीलिंग्स के बारे में बहुत ऑनेस्ट है और गलेबल है गलेबल तो बात सही नहीं होती कभी कभार मगर ऑनेस्ट है तो वो बात आई थिंक एवरी गाय वांट्स दैट और सायरा एक खास बात जो शहरोज में तुम्हें तेज लड़की ने तेज चलाको महीने और सायरा तुम्हें जो शहरोज में खास बात लगी प्रीति बॉय के अलावा उसके अलावा शहरोज का दिल बहुत बड़ा है तो तुम्हारे लिए ना किसी और जनरली भी जनरली बहुत लाइक और जितना ये ऊपर से कोशिश करता है कि मैं ऑल माचो और मैनली हूँ अंदर से उतना ही सॉफ्ट है ये इसकी अम्मी की वजह से है अम्मी सॉफ्ट सॉफ्ट आपने से कोई ये लेगा नॉट बैड बहुत अच्छी बनाई है सही है बुरा तो नहीं है वेरी नाइस कौन ले गए चूल्हा जलाना पड़ेगा अच्छा लग रहा है चूल्हा जला हुआ है लग रहा है ना जला हुआ है जी मैंने जिंदगी में पहली बार वो ग्रिल करना चाह रहे हैं सही है वेजिटेबल ग्रिल नहीं हुए खाली चिकन हुई अच्छा वेजिटेबल ग्रिल नहीं शेफ बोली है कि बट वेजिटेबल होते खा सकते हैं हाँ, मतलब ग्रिल करने की जरूरत नहीं है ये मेरी रेसिपी है अच्छा शहरोज को खाने में क्या पसंद है सायरा बताएं शहरोज को खाने में मैकडॉनल्ड्स पसंद है जंक पसंद है जंक फास्ट फूड बहुत पसंद है और घर के खाने में क्या पसंद घर के खाने में एक्चुअली मैं कुछ भी खा लेता हूँ जो मुझे बिरयानी पसंद है खाने ज्यादा पसंद है देसी देसी हाँ और सायरा को बताओ क्या पसंद है सायरा को पसंद है
सुशी जापानीज़ खाना बहुत ज्यादा पसंद है। थाई फूड बहुत ज्यादा पसंद है। लाइक वो कौन सा खाना पसंद है जो सायरा को बहुत पसंद है? हम दोनों नहीं है और इसको बहुत पसंद है। और ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे नहीं पसंद है। क्या है? पास्ता। ओ या पास्ता रोल। पास्ता मैं नहीं खाता। अच्छा, सायरा का फेवरेट कलर क्या है शेरोज़? मुझे बड़ा मजा आ रहा है यार, वेरी गुड फीलिंग। वाओ यार, सायरा का फेवरेट कलर वो पहनती है, मेरा फेवरेट है। एक तो कोई होगा। अच्छा, अभी तो ढाई महीने हुए हैं, सब जानना जरूरी है। सायरा का फेवरेट कलर हो सकता है, चलो हम गेस करते हैं। नहीं, मैं कहता हूँ, आई थिंक है इसका फेवरेट कलर ऑरेंज। सायरा ब्लैक। ब्लैक इज नॉट अ कलर। ये ही आर्गुमेंट पहले हो चुका है। ब्लैक इज नॉट अ कलर। अच्छा, एक मिनट, सायरा शहरोज का फेवरेट कलर कौन सा है? नहीं पता। नहीं पता, नहीं पता, मैं खुद कह रहा हूँ। शेरोज का फेवरेट कलर है व्हाइट। आई थिंक ब्लू। ओके, नहीं पता। इंक ब्लू। और शेरोज की फेवरेट वहाँ डेस्टिनेशन कौन सी, जहाँ तुम लोग जाओ घूमने? कौन सी ऐसी जगह जो शहरोज को बहुत पसंद है? शहरोज अब जाना चाहेगा रोम। और सायरा कहाँ जाना चाहेगी शहरोज? सायरा को भी, क्योंकि हम रोम हनीमून पे गए थे तो रोम भी गए, फिर बाद में पेरिस भी गए, पर हमने डिसाइड किया कि वी फेल इन लव विद रोम। अच्छा, रोम में हम अपने दिल ले आए। हाय हाय हाय, मेरे हाथ की शास्त्री कौन खाएगा? सायरा जाए। सायरा शेफ के हाथ की शास्त्री है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये जो खाएगा उसके पेट में दर्द नहीं होगा, मगर आपका मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं ग्रिल करके भी नहीं, मेरी रेसिपी लेंगे। ऐसे दे दे क्योंकि आप टाइम खत्म हो रहा है प्रोग्राम। ओके फाइन, खाना है मेरे सामने, देखना नहीं, उसको नहीं चला देना। शेरोज़, हमारा दिल तो चाह रहा है कि तुम लोगों के साथ एक एपिसोड और हो जाए इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब कुछ अरसे बाद ऐसा करेंगे कि बहरोज, सकीना, शहरोज और सायरा इन चारों को इकट्ठे बुलाएंगे, फिर बहुत मजा आएंगे। ये डील डन। आपने अपने फैन से कुछ कहना चाहेंगे अब हमारे प्रोग्राम के थ्रू? हाँ, कि आप लोग जिस तरह हमें प्यार करते हैं उसी तरह प्यार करें, आप लोगों की वजह से हम हैं। क्या बात है। और पता है आप लोगों को, हम प्रोग्राम एंड ऐसे नहीं करेंगे, एक बड़ा अच्छा वाला कपल डांस होगा ना, हल्का सा। गाना कौन सा? दो हल्का सा। गाना कौन सा? जो तुम बोलो। हम गुड मॉर्निंग पाकिस्तान लगा रहे, जो तुम बोलो। आप कुछ भी लगा, ठीक है। चलो जी, एंड करें आप प्रोग्राम। इस कपल के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार पूरा पाकिस्तान। जो इनकी शादी में शरीक नहीं हुआ वो अभी शरीक हो गया और सबके गिले शिकवे दूर हुए। ठीक है ना, थैंक यू सो मच आप दोनों का। आप हमारे शो पे आए, बहुत मजा, जीती रहो बहू। ठीक है जी, यहाँ खुदा हाफिज़, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। मैं नहीं बताऊंगी कौन गेस्ट है भाई, सरप्राइज। ठीक है जी।